नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के खिलाफ सड़क पर व्यापारी, चोरों ने घर में लगाई सेंध, 42 पर पहुंचा पारा। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। लॉकडाउन के खिलाफ सड़क पर व्यापारी। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के ताजा आदेश का खुलासा होने के बाद व्यापारियों का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। सोमवार को शहर के अनेक इलाकों में व्यापारी रास्ते पर उतर आए और अपनी दुकानें शुरू करने की जिद करने लगे। सदर इतवारी और मंगलवारी में दिन के समय बड़ी संख्या में व्यापारी बाजारों में जमा हो गए। कुछ स्थानों पर उनकी एनडीएस दस्ते व पुलिस कर्मियों के साथ कहासुनी भी हो गई। दरअसल रविवार रात को जारी गाइडलाइन को लोग समझ नहीं पाए थे। सभी को लग रहा था कि केवल वीकेंड पर कड़क लॉकडाउन रहेगा, बाकी दिन दुकानें शुरू रहेंगी। सोमवार को जब हकीकत सामने आई तो व्यापारियों की तौरिया चढ़ गई। उनका कहना है कि ले देकर उन्हें ही टारगेट बनाया जाता है। कोरोना के प्रसार के लिए केवल वही जिम्मेदार नहीं है। जब ट्रेन, बस, विमान, सरकारी ऑफिस, किराना, सब्जी की दुकानें शुरू है तो बाकी व्यापारियों के पेट पर क्यों लात मारी जा रही है। व्यापारियों का यह भी कहना है कि अप्रैल मई में शादियों का सीजन होता है, पिछला सीजन तो हाथ से निकल गया था, कम से कम इस दौरान उन्हें कमाई का मौका मिलना चाहिए। उनकी दुकानों में उनके परिवार के अलावा अन्य कर्मचारियों की रोजी रोटी भी चलती है। तो वही दूसरी ओर चोरों ने घर में लगाई सेंध। नागपुर सक्करदरा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर में सेंध लगाकर नगद और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने तारंग ग्राउंड न्यू सुबेदार लेआउट निवासी बबन शांताराम फलके की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। बबन और उसकी पत्नी सोमवार की रात अपने घर पर ताला लगाकर गांव गए थे। देर रात अज्ञात आरोपी ने घर का ताला और कुंडी तोड़कर भीतर प्रवेश किया। बेडरूम में रखी अलमारी से सोने चांदी के जेवर और नगद 25,000 रुपए सहित 96,700 रुपए का माल चोरी कर लिया। मंगलवार की सुबह 11 बजे के दौरान फलके दंपति घर पर लौटे तो चोरी का पता चला। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को की। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो वही तीसरी और 42 पर पहुंचा पारा। नागपुर सिटी का मौसम एक बार फिर बिगड़ने वाला है। दो दिनों के बाद विभाग ने बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी। हालांकि मंगलवार को सिटी जमकर तपी है। पारा 42 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। सुबह से ही तेज धूप थी जो दोपहर होते होते चटके लगने लगी। पारा चढ़ने से गर्मी भी काफी बढ़ गई है, जिसके चलते नागरिकों ने अपने घरों पर ही समय बिताया। लॉकडाउन के चलते वैसे भी व्यापारी वर्ग व निजी संस्थान बंद ही थे, इसलिए लोगों ने बाहर नहीं निकलने में ही भलाई समझी और धूप से भी बचे रहे। मौसम विभाग ने मंगलवार को सिटी का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है, जो औसत से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। देर शाम से मौसम कुछ राहत देने वाला रहा। न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो औसत से 3.5 डिग्री कम रहा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।